सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नालंदा में पुत्र के मौत की खबर सुनने के बाद मां की भी मौत हो गई। दरअसल आपको बताते चले कि नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहद्दीपुर खंधा इलाके में मिट्टी लदे ट्रैक्टर पलटने से डाला से दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक स्वर्गीय रज्जू चौहान का 30 वर्षीय पुत्र छोटू चौहान है। बेटे की मौत की खबर सुनकर मां की भी मौत हो गई। मृतक का 55 वर्षीय मालती देवी है। परिवार के दो सदस्यों की मौत से कोहराम मच गया और परिजनों की चीख पुकार गूंजने लगे। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद नगर थाना अध्यक्ष संतोष कुमार एवं रहुई थाना की पुलिस सबको कब्जे में लेने की प्रक्रिया में जुट गई। ग्रामीणों ने बताया कि छोटू चौहान ट्रैक्टर पर मिट्टी लोड कर रहा था और ट्रैक्टर पलटने से डाला से दबकर उसकी मौत हो गई। बेटे की मौत की खबर सुनकर मां की भी जान चली गई। मां बेटे की मौत के बाद परिवार वालों में कोहराम मच गया। परिजनों की चीत्कार गांव में गूंजने लगी। मजदूर के बेटी की शादी अगले महीने थी और परिवार के लोग शादी की तैयारी में जुटे थे। मौत से शादी की खुशियां मातम में बदल गई है। वहीं नगर थाना अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि ट्रैक्टर से दबकर मजदूर की मौत हुई और बेटे की मौत की खबर सुनकर मां की जान चली गई है। फिलहाल पुलिस सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया में जुट गई है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।